पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कल सांसद दानिश अली ने सुनने में आया है कि भारत माता की जय का विरोध किया है। अगर भारत में भारत की जय नहीं बोलेगी तो पाकिस्तान की बोलेगी क्या? वो सांसद अमरोहा से हैं, भारत के हैं, तो इन नारों का विरोध देश नहीं झेल पाएगा। 5 साल से उन्होंने काम नहीं किया, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए पब्लिक की तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। और देखिए, बीजेपी और बसपा दोनों एक ही हैं, तो जनता इनके बहकावे में ना आए बिल्कुल भी। दानिश अली MLC बीजेपी के हों, ये सब इकट्ठे हैं। कल पहले इनकी बैठक हुई है, एक जगह बैठ के इन्होंने विचार बनाया है कि कैसे वोटों को कन्वर्ट करें, कैसे तुष्टिकरण की राजनीति करें, और तब इन्होंने मंच पे ये हंगामा किया। मंच पे दिखावा था, कुछ नहीं है। अगर बसपा अलायंस में नहीं आती तो आप समझ लीजिए कि उसका अंदरूनी अलायंस बीजेपी के साथ है, जो कल से आपको दिखना शुरू हो गया। मगर सर, आपका मतलब ये क्या? की पार्टी है, बी से बीजेपी, बी से बीजेपी, बी से बसपा, ये दोनों एक गठबंधन है, पहले से ही चला आ रहा है। आप देखिए, जब बहन जी ने वॉकआउट किया था तो किसके लिए किया था? आज ये दोनों एक ही पार्टियां हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सब लोगों से, दानिश अली 5 साल से यहाँ पे नहीं आए, वो अपने जो उनके काम हैं जो उन्होंने नहीं किए, जो करने थे, उनको छिपाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपको, राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई इस गठबंधन में नहीं आएगा, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे कोई भी हो, तो समझिए वो बीजेपी के साथ है, तो फिर उन्हें वोट देने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई सोचता है कि बीजेपी बसपा को वोट देना है तो वो सीधा बीजेपी को दे, फिर बसपा को भी दे के बीजेपी को ही जाना है, वोट वहीं बिकना है एंड ऑफ द डे। तो इनसे सावधान रहें, अपने शहर में अमन और शांति रखें। ये इस तरह के लोग आते रहेंगे और आपके यहाँ दंगे कराने का काम करेंगे ये लोग, इनसे बचिए, सुरक्षित रहिए, हिंदू मुसलमान एकता को बनाए रखिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।